साहब, मेरा नाम है रुमा गुप्ता और मैं ग्रेजुएट कर चुकी हूँ। मेरा सवाल है कि अगर एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की शादी करे और अगर ऐसा हो कि वो मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के घर में नमाज पढ़े और वो हिंदू लड़की उसके घर में जाकर पूजा भी करे, तो ये क्या जायज़ है या नाजायज है? इनका अच्छा सवाल है कि अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो क्या वो मुसलमान लड़का हिंदू के घर में जाके नमाज पढ़ सकता है और क्या वो लड़की मुसलमान के घर में पूजा कर सकती है? नहीं। सबसे पहले कुछ शराइत है हर चीज़ के। आप अगर गाड़ी रखेंगे और गाड़ी का एक पहिया रखेंगे साइकिल का, एक पहिया रखेंगे ट्रैक्टर का, तो गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं चलेगी। या चारों साइकिल कर दो या चारों ट्रैक्टर कर दो। इसीलिए कुरान की आयत है सूरह बकरा की, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मुशरिका से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान ना लाए। मतलब जो गैर मुस्लिम है और शिर्क कर रही है उससे आप शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान ना लाए। और एक ईमान लाने वाली औरत चाहे कितनी भी बदसूरत हो वो एक मुशरिका से बेहतर है। और आगे आयत कहती है कि लड़कियां मुशरिक लड़के से शादी नहीं कर सकती जब तक वो ईमान ना लाए। एक मोमिन आदमी चाहे कितना भी बदसूरत हो वो बेहतर है बनिस्बत जो शिर्क करता है। इसकी वजह यह है कि इस्लाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के अलावा किसी को और पूछते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुबहाना व ताला अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ़ कर सकता है लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ़ करेगा। अगर एक इंसान मुशरिक जैसा मर गया तो अल्लाह ताला कभी भी उसे माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि मुशरिक वो शख्स है जो शिर्क करता है और ये सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा भगवान, अगर हम उसको गाली देंगे ये सबसे बड़ा गुनाह है। जिसने हमें ज़िंदगी दी, जिसने ये सारी चीज़ें हमें दी दुनिया में, अगर हम उसको गाली देंगे उसके अलावा किसी और की इबादत करेंगे ये शिर्क हुआ। तो इसीलिए इस्लाम में इजाज़त नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का या लड़की कोई मुशरिक लड़का या लड़की से शादी करे, ये इजाज़त नहीं है। जहाँ तक के सवाल है क्या एक आम मुसलमान हिंदू घर में नमाज पढ़ सकता है, अगर उसके सामने कोई मूर्ति नहीं है तो वो नमाज कहाँ भी पढ़ सकता है अगर जगह साफ है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सारी दुनिया, सारी धरती मोमिन के लिए मस्जिद है। यानी सारी दुनिया आप कहाँ भी नमाज पढ़ सकते, देखना चाहिए कि साफ है, आप नमाज पढ़ सकते। तो ये आप जाके अगर हिंदू का घर में जाते हैं और वह साफ है, कोई मूर्ति आगे नहीं है, तो नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको शादी करना चाहिए फिर आप नमाज पढ़ सकते, शादी करने की ज़रूरत नहीं है। नमाज पढ़ने का अगर साफ जगह है तो कोई हर्ज नहीं। इसीलिए शादी के लिए शर्त है कि दोनों का ईमान हो। और अगर आप हिंदू मजहब पढ़ेंगे तो हिंदू मजहबी किताब में भी यही लिखा है जो मैंने पहले पेश किया, पहला जो सवाल था भाई साहब का, और मैंने कहा कि हिंदू मजहब में भी यही लिखा है ना तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैचू नहीं। अगर ये मान ले कि कम अज कम जो यक्सा है हिंदू और इस्लाम के मजहबी किताब में, कम से कम उसके ऊपर अमल करे तो अक्सर हमारे मुश्किलात दूर हो जाएंगी। जो यकसा नहीं है उसको कल डिस्कस कर सकते। और अगर आप तहकीक करते हैं, तहकीक करते हिंदू मजहब की किताब पढ़ते और इस्लाम मजहब की किताब पढ़ते, दोनों में लिखा है खुदा एक है, दोनों में लिखा है खुदा का कोई अक्स नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा का कोई बुत नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए, दोनों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, दोनों में लिखा है कि शराब नहीं पीना चाहिए। मैं हवाले दे सकता हूँ,
اور میں تقریر ایک دیا ہوں سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت دونوں کتاب میں آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 90 میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے اب منوسمتی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 225 پڑھیں گے اس میں لکھا ہے شراب پینا حرام ہے قرآن میں لکھے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173 سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل چیپٹر 16 ورس 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بھی کیا آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت خون سور کا گوشت اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے آپ اگر ہندو مذہبی کتاب پڑھیں گے اس میں بھی لکھا ہے کیا سور کا گوشت کھانا حرام ہے اگر آپ تحقیق کریں گے کافی یکسانیت ہے اسلام مذہبی کتاب میں لکھا ہے قرآن میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر حجاب کے بارے میں عورت کو الحمدللہ حجاب میں ہونا چاہیے سر سے ڈھکا ہونا چاہیے اس کا جسم صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہتھیلی تک کے آپ اگر ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے رگ وید بک نمبر 8 میں لکھا ہے اور رگ وید بک نمبر 10 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت کو اپنے سر کے پلوں کو ڈالنا چاہیے چہرے پہ رگ وید میں بھی لکھا ہے کہ جب مرد کو دیکھے تو نظر نیچے کرنا چاہیے یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 کہ جب بھی کوئی خاتون مرد کو دیکھتی ہے جو اس کا شوہر یا قریب رشتہ دار نہیں ہے اور جب بھی کوئی مرد کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور قریب رشتہ دار نہیں ہے تو اسے نظر نیچے کرنا چاہیے ہندو اور اسلام مذہب میں جو مذہبی کتاب میں لکھا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ مذہب کے ٹھیکیدار یہ چیز کا ذکر ہی نہیں کرتے کیوں اسی لیے میں حوالے دیتا ہوں میں کوئی عالم نہیں ہوں میں کوئی پنڈت نہیں ہوں میں اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں لیکن میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں تو کسی کو بھی شک ہے کسی کو بھی شبہ ہے تو گھر پہ جا کے چیک کر سکتا ہے یا انٹرنیٹ پہ جائیے آپ ٹائپ کرو وید بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے قرآن بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے ٹائپ کرو ریفرنس ٹائپ کرو آپ کا حوالہ مل جائے گا تو اسی لیے گاڑی چلنے کے لیے دونوں کا جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے وہی ہونا چاہیے اسی لیے دونوں لوگ مومن ہونا ضروری ہے ہوپ دا آنسر دا کوسچن